तो आप वीडियो में बने रहे, देखिए हम लोग घूमते घूमते भी पहुंच चुके हैं कुछ न्यायालय हाई कोर्ट के बाउंड्री को आप देख सकते हैं और जा रहे हैं उनके गेट भी हम आपको दिखाएंगे। तो यही था उच्च न्यायालय आवासीय परिसर हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा था, और ये नेशनल हाईवे 130 में भी हम लोग चल रहे हैं, और ये मार्ग है जो रायपुर दुर्ग और नागपुर की ओर इस मार्ग को जोड़ा गया है। तो काफ़ी लंबा रूट तय आप कर सकते हैं इस मार्ग से, देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से रायपुर दुर्ग और नागपुर सीधे बढ़ते हुए आगे की ओर, और अभी हम लोग का यात्रा जारी है। गांव सिमगा रायपुर वाला ये मार्ग है, आए हुए हैं ताला गांव, वही की पूरा आप जनजीव का पूरा लोकेशन देख सकते हैं, कितने जंगलों के बीच से एक मार्ग गया हुआ है देवरानी जेठानी मंदिर की ओर, तो हम लोग उधर की ओर ही जा रहे हैं। ये अभी जय निकलेश्वर जय महाकाल। तो देवरानी जेठानी मंदिर जाने के लिए हम लोग अभी रास्ते पे गुजर ही रहे थे, ये पूरा जंगल वाला मार्ग से ही हम लोग जा रहे हैं, और अभी यात्रा अब समाप्ति की ओर ही है। अब पहुंच चुके हैं हम लोग देवरानी जेठानी मंदिर, इसी तरह वीडियो में बने रहे और दिखा रहे हैं आप लोगों को बिलासपुर का छत्तीसगढ़ का इतना जंगल के अंदर में जो मंदिर है बसा हुआ, तो आप लोगों को लाइव दर्शन करवाएंगे। चलिए वीडियो में बने घूम गए हैं। तो फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं देवरानी जेठानी मंदिर की ओर, इधर से आते हैं हम लोग। फाइनली ये मुख्य गेट है देवरानी जेठानी मंदिर, हम लोग को इधर से आना चाहिए तभी आप बोल रहे हैं थोड़ा सा। तो यही है मुख्य दरवाज़ा जो कि आगे से हम लोग घुसे, और यहाँ से फिर एक और सेकेंड दरवाज़ा मिला। अब आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं, वीडियो फोटो बने रहे। देवरानी जेठानी मंदिर ये भी बिलासपुर ज़िले में ही पड़ता है। ये पूरा प्रांगण देवरानी जेठानी मंदिर, तो यहाँ से पार्किंग था, अभी हम लोग टिकट कटवा चुके हैं, और उसके बाद पार्किंग में कहीं भी गाड़ी आप खड़ा कर सकते हैं, बाहर में ही टिकट आपसे ले लिया जाएगा। तो यही है देवरानी जेठानी टेंपल की ओर, तो चलते हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं देवरानी जेठानी टेंपल, गुरुदेव। बहुत ही भव्य, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि शिव और पार्वती का मिश्रण मूर्ति बनाया गया है यहाँ, और आप देख सकते हैं। और ये देवरानी जेठानी के मंदिर के अंदर में ये सारा प्रांगण में ये बना हुआ था, और ये पूरा नीम का पेड़ भी बहुत ही सुंदर है यहाँ पे,
और आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये भी एक और मंदिर का निर्माण अभी चालू है, कार्य अभी बन रहा है, यहीं बगल में ही, जस्ट बगल में ही था। ये भी बहुत ही सुंदर और मनमोहक। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा परिसर का नज़ारा कि बहुत ही सुंदर सा अभी मूर्ति इसके अंदर देखने को मिला है। ये दक्षिण भारत में इसी प्रकार का आपको, लेकिन अभी इसमें कार्य अभी बाकी है इसलिए, तो अभी मूर्ति का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और अभी वीडियो में बने रहे हैं, पूरा अभी हम लोग देवरानी जेठानी मंदिर का आप लोगों का पूरा दर्शन करवाएंगे। जय गुरुदेव। प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी ताला गाँव, तो ये आपका बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो यहीं पर आए हुए हैं हम लोग, मेन मंदिर यही है। तो ये प्राचीन मंदिर की ओर अभी बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहे हैं आप लोग, देखते हैं। मुख्य मार्ग के बगल में ये मिला एक निर्माण माताजी और बजरंगबली का। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उसके आगे आप यहाँ पे शिव शंभु भोले भंडारी ओगड़दानी विराजमान है। और ठीक उसके ही बगल में राम मंदिर, निषाद समाज सेवा मंदिर की ओर से बनाया गया भगवती जगत जननी माता अंबिके इसमें निवास है। और आप पूरे वीडियो में बने रहें, आपको पूरा परिसर में ये जो पुराने आप पत्थर देख रहे हैं, ये सब पुराने अवशेष हैं जो कि बहुत पूर्वजों साल से ये चला हुआ आ रहा। जो देवरानी और जेठानी का मुख्य मंदिर यही था, जो अभी केवल मात्र अवशेषों में ही बचा हुआ, ये ध्वस्त हो चुका। लेकिन आज भी लोग यहाँ पे, ये जेठानी मंदिर जो कि गिर चुका है, ध्वस्त हो चुका है, यही अवशेष बचा हुआ है इस मंदिर का, देवरानी और जेठानी। ये देवरानी मंदिर है, जेठानी उधर है। ये देवरानी मंदिर है और जेठानी मंदिर की ओर भी अभी हम लोग चलेंगे और वहाँ के भी नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो यही था देवरानी, और वो आप देख सकते हैं इसके बगल में जो है वो है जेठानी, दोनों साथ में ही था। और ये बहुत ही अत्यंत प्राचीन काल के समय का ये मंदिर है, जिसका अभी तहस नहस हो चुका है। यही है जेठानी मंदिर, ये पूरा ध्वस्त हो चुका है अभी डेट में। तो ये नदी के तट के किनारे बसा हुआ है ये देवरानी जेठानी मंदिर।